गम धनी सा धनी सारे गरे सा गरे सारे सनी सने ध प म गरे सनी सा गम नि सा गम नि सा गम पा पा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेके आया हूँ, द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुर एंड लय। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं संगीत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुर और लय ही है। अगर आपका सुर पक्का है, ताल पक्की नहीं है, तो सुर का पक्का होना वेस्ट है। अगर आपकी ताल पक्की है, सुर पक्का नहीं है, तो ताल में होना भी व्यर्थ है। तो इस कारण से मैं एक सरगम आपके लिए लेके आया हूँ राग भैरवी में। देखिए, हम बहुत सारी प्रैक्टिस मटेरियल देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, आप अपने गुरुओं से भी सीखते होंगे, अलग अलग आप अलंकारों का रियाज करते हैं, लेकिन भैरवी में बहुत कम हमको रियाज करने को मिलता है। जिन किसी स्टूडेंट्स ने भैरवी राग सीखी है, वो तो परिपक्व होंगे ही, लेकिन ये वाला जो लेसन है, ये मैं स्पेशली बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ, जो उस रियाज से वंचित हो जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे शास्त्रीय संगीत में भी और हमारे लाइट म्यूज़िक में भी सरगम। तो सरगम का तालबद्ध तरीके से रियाज किस प्रकार हो और एक सरल लयकारी, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो लर्निंग डेफिनेटली होगी। जो पूरी नोटेशन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे मेंबर्स कम्युनिटी पर, वहाँ पर मैं ये पूरी नोटेशन जो मैं बताने वाला हूँ वो पोस्ट कर दूंगा। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सरगम है ये सिंपल तीन ताल की सरगम है। इसमें हम लयकारी भी देखेंगे कि किस प्रकार हम लय को चेंज कर कर हम सम पर आ सकते हैं। पहले आप सरगम सीखिए। देखिए, 13वीं मात्रा से ये सरगम स्टार्ट होती है, इसका मतलब चार मात्रा का मुखड़ा है। पंचम पर इसका सम रखा है शास्त्रकार ने, पंडित रघुनाथ तलेगांवकर, जिनको हम बड़े गुरु जी कहते हैं, हमारे गुरु जी के फादर, उनकी बंदिश मैं ये आपको बता रहा हूँ सरगम गीत के रूप में। सो आप देखिए, नि सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा। अब देखो, नि सा ग म प, पंचम पर समय, तो नि सा ग म प ध प, ये भैरवी की जो चाल है, सा ग म प ध प, उसको इनबिल्ट किया है मुखड़े में ही। नि सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा। तो इतना सीखते हैं। देखिए, ताल के साथ आप मैक्सिमम बीपीएम 120 रख सकते हैं और रियाज कर सकते हैं। तो गाते हैं, नि सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा। चलिए, नि सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा नि सा ग म प ध प। आप सेकंड लाइन देखिए, म ग म ध म ध। तो ये जो चाल है, म ग म तो ध म ध, पंचम का लंघन कहते हैं हम इसको टेक्निकली। म ग म म ग म ध म ध सा नि ध प म ग रे सा। तो पूरा अवरोह ले लिया, म ग म ध म ध सा नि ध प म ग रे सा नि सा ग म प। ये हमारी स्थाई है। तो रियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कोमल स्वरों का आपका अभ्यास होता है तालबद्ध तरीके से। सो नि सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा म ग म ध म ध सा नि ध प म ग रे सा नि सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा म ग म ध म ध सा नि ध प म ग रे सा नि सा ग म प। ये स्थाई। अंतरा देखिए, अंतरा भी इसका 13वीं मात्रा से उठता है, जो भैरवी का उठाव है। ग म ध नि सा सा ध नि सा रे ग रे सा।
तो षडज पर समारा देखिए अंतरे का ग म धनी सा धनी सारे गरे सा। अब ये गरे सा की डबलिंग है। गरे सारे सानी सानी धपा मगरे सा, तो सानी धपा मगरे सा अगेन सिमिलर टू द स्थाई विच वी जस्ट डिस्कस्ड। सो गरे सारे सानी सानी धपा मगरे सानी सा ग म प ध प। तो चलिए एक बार अंतरे को गाते हैं ताल के साथ, उठाइए। ग म धनी सा धनी सारे गरे सा, तेरवी ग म धनी सा धनी सारे गरे सा गरे सा रे सानी सानी धप म गरे सा नी सा ग म प ध प नी सा ग म प ध प नी सा ग म प आ ना आ। तो ये भैरवी का एक जो आप देखते हैं हम रास्ता जो स्वर संगति है गरे सारे सानी सानी धपा मगरे सानी सा गमा पा धपा। तो चाल क्लियर हो रही है देखिए राग की, ठीक है। तो क्यों मैंने कहा स्वर और लय का बड़ा सुंदर संगम आपको इस बंदिश में सीखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया हम दुगुन करेंगे, अगर हम पूरी बंदिश का एनालिसिस करें तो पूरा बंदिश में जो टोटल मात्राएं हैं वो है 64, 32 मात्रा की हमारी स्थाई है, 32 मात्रा का हमारा अंतरा है। अब अगर मैं दुगुन करता हूँ तो दुगुन में मेरा टाइम आधा होगा क्योंकि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जहाँ पर 64 बीट्स लग रही थी अब मुझे 32 बीट्स लगेंगी, प्लस उसके साथ मुखड़ा भी जोड़ूंगा मैं। तो निसा गामा, तो ये निसा गामा पा। तो क्योंकि वैसे मुखड़ा सिंगल का तो चार मात्रा का, लेकिन क्योंकि दुगुन करूंगा तो दो मात्रा लगेंगी मुझे। तो 32 + 2 = 34, तो 34 मात्रा की मेरे को रिक्वायरमेंट है। नाउ कन्वर्ट 34 इंटू साइकिल, तो दो साइकिल तीन ताल की प्लस टू बीट्स, तो कहाँ से उठाऊंगा 15वीं मात्रा से। तो 15, 16 में दो मात्राएं कवर हो गई प्लस नेक्स्ट टू साइकिल्स ऑफ तीन ताल। अब कैसे समझना, इस पूरी बंदिश का हम दुगुन करेंगे फिर हम सम पे देखिए कैसे लैंड करते हैं। सुनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नी सा ग म प, ये एक गुन है। ग म प म ग रे सा दो गुन, नी सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा म ग म ध म ध सा नी ध प म ग रे सा ग म धनी सा धनी सा रे ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे सा नी सा ग म प ध प। तो समझ आ रहा है दुगुन कैसे किया 15वीं मात्रा से। तो आई होप आपको समझ आया ये 15वीं मात्रा से कैसे दुगुन हो रही है। नी सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा म ग म ध म ध सा नी ध प म ग रे सा ग म धनी सा धनी सा रे ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे सा नी सा ग म प ध प। क्योंकि नी ये 13वीं मात्रा पर आ रहा है, देखिए सा ये 14वीं मात्रा पे आ रहा है। तो यहाँ तक तो सिंगल गाया लेकिन फिर 15वीं से मैंने दुगुन किया। सो नी सा ग म प ध प ग म प म ग रे सा म ग म ध म ध सा नी ध प म ग रे सा ग म धनी सा धनी सा रे ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे सा नी सा ग म प। मान लीजिए आपको तिहाई लेनी है, निसा गामा निसा गामा निसा गामा पा। तो ये निसा गामा निसा गामा, इसके लिए चार मात्राएं और चाहिए होंगी। तो जहाँ 15 से उठा रहा था वो 11 से उठा लूँगा। कैसे समझना, तिहाई के साथ अगर आपको सम पे आना है तो आप देखो क्या उठाव रहेगा हमारा बंदिश का। निसा गामा पा ध पा
ga ma pa ma ga re ni sa ga ma pa dha pa ga ma pa ma ga re sa ma ga ma dha ma dha sa ni dha pa ma ga re sa ga ma dha ni sa sa dha ni sa re ga re sa ga re sa re sa ni sa ni dha pa ma ga re sa ni sa ga ma ni sa ga ma ni sa ga ma pa dha pa ga ma pa ma ga re sa ni sa ga ma pa आपको एक सुर और लय का एक जो संगम है समझाने का प्रयास कर रहा था। ये जो कंप्लीट पीडीएफ आपने स्क्रीन पर देखी, ये मेरे आप जो कम्युनिटी पोस्ट है हमने जो बनाई है हमारे अलग अलग मेंबर्स के लिए, हर एक मेंबर के लिए मैं प्राप्त करा दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग द चैनल। इस प्रकार के लेक्चर्स मैं आगे भी लाता रहूँगा आपकी सेवा में, ऑनलाइन क्लासेस में। आप ऐसे ही जो डिटेलिंग है, ऐसे ही अलग अलग रागों की बंदिशें हैं मेरे अभ्यास बैच के अंतर्गत ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रियाज़ का भी बैच है जिसमें हम राग बेस्ड रियाज़ भी करते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल भी हम देखते हैं, अलग अलग घरानों की बंदिशें भी सीखते हैं। कॉमन रागास का एक बैच है, उसमें भी आप ट्वाइस अ वीक अगर आप सीखना चाहते हैं, हर मंडे फ्राइडे शाम को 6 बजे क्लास होती है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। ओम शांति।